होगा कि अगर 1,83,000 जो आप अभी दे रहे हो शायद बैंक है जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी डिपॉजिट करेगी तो क्या होगा? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली इन वीडियो आप लोग मैं लेके आया हूँ जो भी 2023 की काउंसलिंग में आप अप्लाई करने जा रहे हो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा एंड बैंक में लोन्स कैसे मिलेंगे, प्लस अगर बात की जाए स्कॉलरशिप्स का क्या प्रोसेस है। सो आज इस वीडियोस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देखिएगा एंड गाइस मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, यहाँ पर मैं कभी कभी लाइव आता हूँ, आप मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग में भी ऐड हो सकते हो। नीचे दिए गए व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, उस ग्रुप से 2023 काउंसलिंग का आप जुड़ जाए, आप मुझसे जब भी हम गूगल मीट पे भी आएंगे आप वहां से भी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए गाइज आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि गाइज मैंने अपनी ऑनलाइन 2024 बैच की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। ऑफलाइन दिल्ली में तिलक नगर में भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर सकते हो और डेमो क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं 1 वीक का। उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ग्रुप मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज के लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको है जो कितनी फीस की रिक्वायरमेंट है इसकी क्या करना है, उससे पहले 4 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं 2023 की काउंसलिंग के लिए। सो प्लीज देखना मत भूलिएगा, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा और आपकी काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। सो इस वजह से जो आपकी इस बार 2023 काउंसलिंग की फीस है दैट इज 1,83,200 रुपीज है जो कि आपको अरेंज करके रखनी है एनी हाउ, राइट। सो इस वजह से आपको 1,83,200 रुपीज आपके अकाउंट में होने ही चाहिए ये काउंसलिंग में बैठने के लिए, क्योंकि अभी आपने क्या किया है कि आपने अपने अकॉर्डिंग सारी सीट्स उसमें डाल दी हैं कि मुझे ये मेरी प्रेफरेंस है, मुझे ये मिलेगा। अभी क्या होगा, 8th मई इज द लास्ट डेट कि आप अपनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन वहां पे है जो अपनी प्रीफ्रेंसन डाक के लॉक कर दोगे। उसके बाद से है जो नए एनेक्सर्स आएंगे उनकी नए इंफॉर्मेशन आएगी कि काउंसलिंग कैसे होगी, राइट। सो आपको जो कैंपस मिलने वाला है वो आपको है जो पोर्टल के जरिए बता दिया जाएगा कि आपको ये प्रीफ्रेंस मिले हुए हैं या फिर ये प्रीफ्रेंस मिल रहा है, आपके प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग एक कैंपस और एक कोर्स जो आपको मिलेगा दे दिया जाएगा। फिर आपको वो आई थिंक टाइम देंगे या फिर कुछ लिमिट देंगे कि आपको वो सीट अगर चाहिए फिक्स करना है। सो आपको क्या करना होगा, ऑब्वियस ही बात है कि आपने है जो वीडियो देखा होगा उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, एंटी रैगिंग और जो मेडिकल वाला वो भी अपलोड करना होगा और उसके साथ साथ लॉक करने के लिए सीट जो है आपको है जो ये फीस जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है ये आपको देनी होगी, ठीक है। सो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में इतना रुपये रखना ही होगा। अभी क्वेश्चन उठता है कि सर हम तो लोन पे पढ़ने वाले थे, या फिर बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हम तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे पढ़ने वाले थे तो कैसे चीजें की जाए, राइट। सो इस वजह से मैं बताना चाहता हूँ कि गाइज वो दोनों प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट इस काउंसलिंग में बैठने के लिए ये फीस आपके पास होनी ही चाहिए। स्कॉलरशिप्स अभी नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है अभी मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियोस में। और अगर हम बात की जाए कि कैसे है जो इस चीज़ को आप कर सकते हो या फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो उसका क्या प्रोसेस है। सो अभी फिलहाल के लिए इस काउंसलिंग में बैठना यू शुड हैव 1,83,200 रुपीज जो भी मेंशन है ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इस सीट को बुक कर पाओगे। जैसे ये फीस डिपॉजिट करोगे जो भी आपका उनका प्रोसेस होगा कंटिन्यू करोगे, यू विल गेट अलॉटमेंट लेटर कि आपका इस कैंपस में ये सीट है जो फिक्स हो चुका है, अभी आप क्या हो
कि अब आप अपना है जो आगे का जितना भी एजुकेशन जो भी है आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि कैसे फीस उनको देना है, तो इसलिए बैंक में होना चाहिए। और तुरंत जैसे सीट लॉक होगा, डिजिटल चीज़ें जो भी वो प्रोवाइड कराएंगे निफ्ट पोर्टल में, वहाँ पे आपको डिटेल्स जाके कट करा देना है, आपको सीट मिल जाएगी आपके अकॉर्डिंग, जो भी उनको आपने प्रोवाइड कराई जाएगी आपके कॉमन मेरिट रैंक और कैटेगरीज रैंक अकॉर्डिंग, जो भी आपको सीट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करें बैंक लोन का क्या सीन है। गाइज, जब आपको कैंपस में मिल जाएगा और आप हैं जो कैंपस में आ जाओगे, आपको यहाँ पे क्या होगा, कैंपस में नाम मेंशन करेंगे सारी चीज़ें जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है, क्योंकि तब आप कंटिन्यू करेंगे उनके साथ। आपको लेटर मिलेगा वो आपको कैंपस में सबमिट करना होगा जब आपका ओरिएंटेशन होगा। सो इस वजह से ओरिएंटेशन में जब आपका सीट हो जाएगा, आप अगर लोन लेने जाओगे दे विल आस्क समथिंग यू नो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो कि आपके कैंपस वाले प्रोवाइड कराएंगे। उस समय आप है जो लोन के लिए अप्लाई करोगे, आप जो भी बैंक में लोन जिससे भी लेना चाहते हो वहाँ पे ले सकते हो, बिकॉज ऑल द बैंक्स आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन फॉर ऑल द स्टूडेंट। उसके बाद से उनके क्या परसेंटेज रेज हैं वो उनका कॉल है, ठीक है। वो उनके क्या हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आपको जाना होगा, देखना होगा। बैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल रेगुलेशंस है, वो कितना प्रोवाइड कराएंगे कितना नहीं प्रोवाइड करेंगे वो सारा कुछ उन पे ही डिपेंड करता है, राइट। सो उसके बाद से आप क्या करेंगे, बैंक आपको जितना भी आपकी 8 semester की फीस होगा वो बैंक आपको प्रोवाइड कराने वाला है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपकी जॉब लगेगी और जो भी उनके प्रोसेस होंगे कि 4 साल बाद देना या फिर 5 साल बाद देना जो भी है, तब आपको पे करना होगा, राइट। और ये आपका होगा कि अगर 1,83,000 जो आप अभी दे रहे हो, शायद बैंक है जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी डिपॉजिट करेगी, तो क्या होगा, अगर बैंक ने आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट की है तो वो रुपए आपको है जो बैंक में रिफंड हो जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो इस वजह से बैंक लोन वहाँ से आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए एडमिशन चाहिए आपको निफ्ट में, तभी बैंक आपको लोन देगी। दूसरा जो पॉइंट है सबसे बड़ा, स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है, कैसी चीज़ें मिलती हैं। तो ऑब्वियसली निफ्ट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, उनका केस है उसके लिए कब अप्लाई करना है कैसे करना है। सो स्कॉलरशिप्स के लिए गाइस, जब आप जो एडमिशन ले लोगे वहाँ पे महीने दो महीने या फिर 3 महीने बाद से सार्थक स्कॉलरशिप का है जो फॉर्म निकलेगा, आपको कैंपस में बताया जाएगा या फिर दे विल इन्फॉर्म आपके डिपार्टमेंट से, तब जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसका प्रोसेस क्या है, आपको पता है कि आपकी इनकम 1 लाख से नीचे होनी चाहिए पूरे साल की फैमिली की इनकम, और वो कैसे आप प्रूव कर पाओगे, देयर इज ए इनकम सर्टिफिकेट। वो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना ही होगा, उस इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही है जो वो आपको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल की इनकम कितनी होनी चाहिए, तब जाके आप अप्लीकेबल होगे और आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट में जॉब ना करते हो तब, ठीक है। तो 1 साल की इनकम 1.5 लाख से नीचे होगी तो आप अप्लीकेबल होगे 100% तक की स्कॉलरशिप के लिए, और अगर 1.5 लाख से ऊपर और 2.5 लाख से नीचे है तब आप अप्लीकेबल होगे 75% तक की स्कॉलरशिप, और 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तब आप अप्लीकेबल होगे 50% तक की स्कॉलरशिप। सो दे आर प्रोवाइडिंग 50%, 75% एंड 100% तक की स्कॉलरशिप, ये उनको ही मिलेगा जिनकी ये इनकम होगी और जिनका इनकम सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, आप पूरा फॉर्म फिल करोगे, ओके, उसके बाद से आपका है जो इंटरव्यू होगा इसका प्रॉपर। सो इंटरव्यू में 4-5-6 फैकल्टी जो भी होगी अंदर बैठेगी, एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग योर फैमिली प्रॉब्लम, कैसी इनकम स्रोत हैं, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। उस इंटरव्यू के बेसिस पे दे विल शॉर्ट लिस्टेड कि कितने बच्चों की स्कॉलरशिप मिलेगी कितने को नहीं। तो क्या सबको मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कई लोगों की रिजेक्ट भी होगी स्कॉलरशिप। अगर आप जेन्युइन हो, आपके जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप। मैं बोल रहा हूँ इस स्कॉलरशिप के बेसिस पे आप निफ्ट नहीं जा सकते हो कि मिलेगी ही 100%, बिकॉज ऑफ दिस स्कॉलरशिप आई एम जस्ट गोइंग टू गेट एडमिशन। यू शुड हैव अ बैकअप प्लान कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो क्या होगा, क्योंकि ये स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलती है। इंटरव्यू होता है, आपके हैं जो स्कोर्स देखे जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, बिकॉज योर फैकल्टी ऑल्सो विल बी देयर अंदर, वो आपको कंटिन्यू जज करेगी कि आप कितने कैपेबिलिटी हो, यू हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम और नॉट। उस इंटरव्यू को आपको क्रैक करना होगा, उसके बाद से आपका लिस्ट में नाम आएगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लीकेबल हो कि नहीं हो। सो इस वजह से इस अकॉर्डिंग आप
100% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। इसका भी क्या है मैं वो फिर से बता देता हूँ। हर साल आपके फॉर्म निकलेंगे, हर साल आपको अप्लाई करना होगा। सो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जिन बच्चों ने ऑलरेडी पे की हुई है, अगर आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है, सो जो आपने फीस पे की है वो आपके बैंक में डिपॉजिट कर दी जाएगी। सेकेंड सेमेस्टर की फीस जीरो लगेगी अगर आपकी 100% तक की है। 75% तक की है तो मतलब 75% जो भी होगा वो आपको रिफंड होगा। सेकेंड सेमेस्टर में 75% मतलब जो 25% फीस बच रही है ना, जो बची हुई फीस है वो आपको पे करनी होगी। सो ऐसे करके है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोसेस का है जो बेनिफिट्स मिल सकता है निफ्ट में। बट अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, इफ यू हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम ऑब्वियसली निफ्ट विल प्रोवाइड यू 100% तक की स्कॉलरशिप। और बट उस बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं निफ्ट जा रहा हूं बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप, यू शुड हैव अ बैकअप प्लान ऑल्सो। और लोन्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आप पे कर पाओगे कि नहीं पे कर पाओगे, राइट। सो आई थिंक इस वीडियोस मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। सो प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट, नीचे का जितना भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं वीडियोस देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 काउंसलिंग है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन दिस इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं लाइव आऊंगा तो आप उससे लाइव जुड़ सकते हो और सारी जितनी भी है आपको मिल जाएगी। और आपको थोड़ा भी लगता है कि इफ आई एम पुटिंग माय 100% टू गिव यू प्रोवाइड यू ऑल द 100% सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन, सो प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लैक कर रहा हूँ मैं, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एग्जैक्ट में नहीं मिल पा रहा है, सो प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू कमेंट देयर, वहाँ पे कमेंट करो। जो नेक्स्ट आने वाला वीडियोस मैं उस पर ही बना दूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको है जो परेशान होने की कोई नीड नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।